नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना खेवनहार बताते हुए उनकी सराहना करते हुए कहा है कि वह पार्टी को मजबूत नेतृत्व देने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं तथा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। शी राष्ट्रपति पद पर रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खेवनहार का दर्जा पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग को ही अब तक प्राप्त था। सीपीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी प्रहार किया और कहा कि लोकतंत्र पर अमेरिका या पश्चिमी देशों का विशेष पेटेंट नहीं है। मुख्य नेता के तौर पर शी का दर्जा बढ़ाने के पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए शुक्रवार को सीपीसी के नीति अनुसंधान के निदेशक जियान जिनकुआन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1.4 अरब की आबादी वाले देश में यदि पार्टी का एक मुख्य नेता नहीं होता तो यह अकल्पनीय होता। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी सीपीसी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। गुरुवार को संपन्न हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 4 दिवसीय पूर्ण बैठक में देश के राजनीतिक इतिहास में जिनपिंग के मुख्य नेता के दर्जे को पुख्ता करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अगले साल राष्ट्रपति जिनपिंग के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए भी रास्ता साफ कर दिया गया है। जियान जिकुआन ने बताया कि जिनपिंग पार्टी के मुख्य जन नेता और सेना के कमांडर के रूप में बेहद योग्य हैं। उनका नेतृत्व समय की पुकार, इतिहास की पसंद और लोगों की आकांक्षा है। वह पार्टी को मजबूती से थामे हुए हैं, वह देश की रीढ़ हैं। जियान ने कहा, लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों का कोई विशेष एकाधिकार नहीं है। केवल पश्चिमी देश इसे परिभाषित या निर्धारित नहीं कर सकते। पश्चिम का चुनावी लोकतंत्र वास्तव में पूंजी द्वारा शासित है और यह वास्तविक लोकतंत्र का नहीं बल्कि अमीरों का खेल है। दुनिया के लोकतांत्रिक मॉडल एक जैसे नहीं हो सकते, यहाँ तक कि लोकतंत्र के पश्चिमी स्वरूप भी पूरी तरह से समान नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ चीन अमेरिका और पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना कर रहा है, तो उसी बीच खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग दोनों देशों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक डिजिटल शिखर बैठक करेंगे। यह घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि वे चीन के साथ वर्ष के अंत से पहले बाइडेन और शी के बीच एक डिजिटल बैठक आयोजित करने को लेकर एक संभावित सहमति पर पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, सोमवार 15 नवंबर की शाम को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ डिजिटल तरीके से बैठक करेंगे। उन्होंने कहा, दोनों नेता 9 सितंबर के फोन कॉल के बाद अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साझे हितों पर मिलकर काम करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। साकी ने एक बयान में कहा, पूरी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के इरादों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे और चीन के साथ हमारी चिंताओं को भी स्पष्ट करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। देखना होगा कि क्या इस वार्ता से तनाव कुछ कम हो पाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।